तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बुक्स में मिलेगा, आपके पास सपोज एक वायर है जो बिल्कुल सीधी थी, जिसकी लेंथ एल नहीं 2L थी, सीधी है। आपने इसको पकड़ा और बीच में से खींच दिया, तो वायर लंबी होगी, ऐसी होगी जैसे वो तीर कमान नहीं होता, तो वो स्ट्रेच हो गई, तो ये वी शेप बन गई। तो डी डिस्टेंस खींचा आपने, तो नई लेंथ वायर की ये हो गई, तो नई लेंथ कितनी हुई, पाइथागोरस से डिस्टेंस आ गया। पुरानी लेंथ क्या थी, 2L, नई लेंथ क्या है, दिस प्लस दिस नई लेंथ है, तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी है, दोनों को क्या कर दें, माइनस, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल आ गया। क्या पॉइंट क्लियर है, डेल्टा एल क्लियर है, पहला स्टेप है, डेल्टा एल आ गया। आगे आपको बताना है, अब ये वायर जब खींचेंगे तो टाइट हो जाएगी, टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। और वायर का वाई गिवन है, इसका मतलब वायर इलास्टिक है, ना होती अब तक तो टूटी जाती, तो इलास्टिक वायर है। तो आपको ये भी गिवन है कि डी इज बहुत छोटा, लेस देन एल। अब जब ये चीजें गिवन होती है ना, तो इसमें दो ही बातें छुपी होती हैं, या तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे डी को निग्लेक्ट करेंगे एल के मुकाबले, या फिर बाइनोमियल लगाएंगे। तो दो ही चीजें होती हैं, या बाइनोमियल लगती है ऐसे केस में, या फिर निग्लेक्शन होती है। करें स्टार्ट, आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है इसमें डेल्टा एल, इसमें निकालना होगा टेंशन, निकालनी है वायर में क्या होगी, तो आपको इसमें क्या निकालनी है, टेंशन लिख लेना। अच्छा, फाइन टेंशन टी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया, टेंशन बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंशन निकालनी है, तो बाकी टर्म्स एक तरफ, डेल्टा एल हम निकाल चुके हैं उसको उठा के यहां पर एक तरफ। अब यहां से काम करेंगे, अंडर रूट का मतलब हाफ है, ठीक। अब या तो डी को निग्लेक्ट करेंगे, फायदा नहीं होगा, डी को निग्लेक्ट किया तो एल में से एल जीरो, बात नहीं बनेगी। तो एक काम करेंगे, इसमें से एल स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, एल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, एल, तो ये क्या बनेगा, वन, और ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, राइट, क्लियर है। यहां पर क्योंकि डी बहुत छोटा है एल से, तो बाइनोमियल लगेगी, अंडर रूट को कैसे सॉल्व कर सकते हो, तरीका ही नहीं है, हाफ को इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे ये ओपन करेंगे, तो वन से वन कैंसिल, सॉल्व करके आपके पास के सिंपलीफाई करके टेंशन की ये वैल्यू आ जाएगी और आंसर आ जाएगा, एरिया को पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेगा ये, तो एक इसका यही ट्रिक है, आप बाइनोमियल लगा के सिंपलीफाई करके अंडर रूट को खत्म करके अपना आंसर इस फॉर्म में निकाल लेंगे। स्कूल में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको याद आएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है, यहां तक इसका ट्रिक है। ये क्वेश्चन नहीं किया था, इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्लीज पढ़ें।
लोड ऑफ 31.4 केजी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर. तो एक भार टांग दिया 31.4 केजी का, रेडियस वायर का गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है. फाइंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वायर. अरे ये टेम्परेचर बीच में कैसे आ गया, मतलब कहाँ गर्मी सर्दी कहाँ आ गई, वायर को खींच रहे थे कब, जब 75% ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड इन टू हीट. वो कह रहे हैं जी आपने वायर को खींचा तो आपने वर्क डन किया, अब वायर जो आपने वर्क डन किया उससे वायर पूरी खींची नहीं, उसमें कुछ खींच गई, उसमें से जो आपने वर्क डन किया उसमें से 75% में वायर गर्मी हो गई, 25% की खींची सिर्फ. मर्जी है भाई, आपने अगर मान लो 100 जूल का काम किया, 75 जूल तो हीट भी जनरेट कर गई वायर में और बाकी वो खींच गई. तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड राइज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है. तो सबसे पहले ये बताओ कि आपने वर्क डन किया कितना, हाफ इंटू फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ, ये वर्क डन किया. और फोर्स कितनी है, जितना वेट लगाया, एम जी, ये वर्क डन किया. अब प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी प्रॉब्लम में डेल्टा एल नहीं गिवन, और डेल्टा एल निकालने का एक ही तरीका है, यंग्स मॉडुलस. तो यंग्स मॉडुलस से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फोर्स को एम जी पुट करेंगे और एरिया को पाई आर स्क्वायर सॉल्व करके क्या निकालेंगे, डेल्टा एल. तो अब आप क्या करेंगे, वर्क डन निकाला हुआ है आपने, इस वर्क डन में डेल्टा एल को पूरा यहां पुट कर दिया, तो ये आपका वर्क डन आ गया. मैंने इस फॉर्म में वर्क डन क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को रेडियस गिवन है, वाई गिवन है, एल गिवन है, एम गिवन है, सब गिवन है, तो मैंने वर्क डन निकाल दिया. अब वो कह रहे जो आपने वर्क डन किया ना यू, उसका 75% तो हीट में कन्वर्ट हो गया. तो जो आपने यू वर्क डन किया, इसका 75% वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो गया. और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा थीटा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो एम सी इंटू राइज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा. तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा थीटा. तो यहां से होल स्क्वायर ओपन किया, एम से एम कैंसल. अब इस प्रॉब्लम, ये लंबी प्रॉब्लम है जिसमें आपको सी पता है, जिसमें आपको स्पेसिफिक हीट पता है, जी पता है, एल पता है, वाई पता है, आर पता है, सॉल्व करके डेल्टा थीटा कैन बी कैलकुलेटेड. नॉट फॉर एनसीईआरटी, मतलब ऐसा भी नहीं, नॉट फॉर कैलकुलेशन वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज तो एनसीईआरटी है, पर हाँ वैसे कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं आती, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. अगर छोटी कैलकुलेशन के साथ आए तो समझ में आ रहा है कैसे करना है. तो आप जो वर्क डन निकालेंगे उसका 75% हीट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट. ठीक, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था, रिंग वाला क्वेश्चन भी किया था, ये नहीं किया था. इसे देखें, क्वेश्चन है, लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी, इसे भी लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में आएगा नहीं, ओनली ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऐसे अननेसेसरी स्कूल लेवल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है इसे. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपके पास दो रॉड्स हैं, तो टू डिफरेंट रॉड्स हैं, डिफरेंट मटीरियल्स हैं, और एल वन एल टू इनकी लेंथ है, एल्फा वन एल्फा टू कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है. अब लीनियर एक्सपेंशन लास्ट टाइम भी किया था, ये टर्म तब यूज होती है जब आप गर्म करते हो वायर को और वायर लंबी हो जाती है, तो हीटिंग वाला अफेक्ट इसमें लगेगा, यानी कि वायर को गर्म करेंगे और वायर लंबी हो जाएगी, तो इसमें अल्फा की जरूरत पड़ती है. तो अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वाई वन वाई टू यंग्स मॉडुलस है, यानी कि वायर का वाई वन वाई टू गिवन है, इसका मतलब वायर इलास्टिक इन नेचर है, तो वायर छोटी या बड़ी हो सकती है. आगे अब वो कह रहे हैं कि आपने रॉड्स का टेम्परेचर टी इंक्रीज कर दिया, रॉड को गर्म कर दिया बाय टी, फोर्स बताओ जो एक रॉड दूसरी पे लगाएगी या दूसरी रॉड पहले भी लगाएगी, लगाएगी सेम, अंदर की फोर्स बताओ क्या लगेगी,
अब कॉन्सेप्ट को समझो, जो दो रॉड्स हैं वो दीवार के बीच में है, दीवार तो हिलने से रही। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर ये वायर्स इलास्टिक ना होती और आप गर्म करते तो इन वायर्स का क्या होता, इन रॉड्स का क्या होता? एक्सपैंड तो ये होती, तो क्या होती? या तो ये टूट जाती या फिर ये बेंड हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। जगह तो है नहीं एक्सपैंड होने की, पर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। क्लियर है यहां तक? पर क्योंकि ये इलास्टिक इन नेचर है, क्योंकि इलास्टिक इन नेचर है तो क्या होगा, इसमें गर्म करने से वायर लंबी होगी, पर इलास्टिसिटी उसको लंबा नहीं होने देगी, उसको कंप्रेस कर देगी बाय सेम अमाउंट, ताकि लेंथ ऑफ रॉड रिमेन्स सेम। उसने बोला नहीं लेंथ चेंज हुई, तो इसका मतलब एज्यूमिंग लेंथ ऑफ द रॉड रिमेन्स सेम। तो गर्मी करने से अगर 10 सेंटीमीटर दोनों रॉड्स एक्सपैंड होती हैं, तो इलास्टिसिटी उसे 10 सेंटीमीटर क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, ताकि चीज वहीं की वहीं रहेगी। अगर ये इलास्टिक ना होती फिर तो ये बेंड हो जाती, बेंड का क्वेश्चन आया ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें वैसी की वैसी रहेगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इन्हें गर्म करेंगे और डेल्टा एल निकालेंगे, फिर यंग्स मॉडुलस से डेल्टा एल निकालेंगे, उसका कंप्रेशन होगा, दोनों को डेल्टा एल इक्वेट कर देंगे। तो जैसे मैंने वायर को क्या किया, गर्म किया, जब गर्म किया तो पहली रॉड का इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल वन है, दूसरी का डेल्टा एल टू है, तो टोटल कितना है, ऐड कर लो। ये फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने किया था, गर्म करने से लेंथ कैसे होती है, एल डैश हो जाती है, एल डैश माइनस एल डेल्टा एल। तो ये लास्ट टाइम फॉर्मूला करवाया था एल्फा वाला, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो डेल्टा एल की वैल्यू इसके इक्वल होगी। क्लियर है? तो पहली रॉड कितनी कितनी एक्सपैंड हो जाएगी, एल वन एल्फा वन टी डिग्री सेल्सियस, और दूसरी एल टू एल्फा टू टी डिग्री सेल्सियस। तो ये टोटल एक्सपेंशन आ गई गर्म करने के बाद। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो हीट करने के बाद ये दोनों रॉड्स इतनी एक्सपैंड हो जाएंगे। फाइनल लेंथ सेम है, पर सेम इसलिए रही क्योंकि आपने पहले उसे गर्म किया, गर्म करने से ये डेल्टा एल आया, आ गया, मान लो ये डेल्टा एल आ गया 10 सेंटीमीटर, तो होना ही था, गर्म करने से एक्सपैंड तो होना ही है, पर लेंथ सेम दिख रही है मुझे, इसका मतलब इलास्टिसिटी ने उसे उतना ही दबा दिया। तो इलास्टिसिटी से एक काम करते हैं, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से डेल्टा एल वन निकाल लेते हैं और डेल्टा एल टू निकाल लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। तो ये इलास्टिसिटी की वजह से कंप्रेशन है और हीट की वजह से एक्सपेंशन है, तो दोनों का जो डेल्टा एल है दोनों रॉड्स का, वो एक दूसरे के इक्वेट कर देते हैं। तो लिख दिया इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू हीट, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू इलास्टिसिटी। क्लियर है? तो लिखना लिख भी लो, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू हीट, ये हीट की वजह से इंक्रीज, और डिक्रीज इन लेंथ किसकी वजह से है, ड्यू टू इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है? तो ये आपने इन्हें क्या कर दिया, इक्वेट, और आपको एफ निकालना है, सॉल्व करके एफ निकाल देना आंसर, बाकी कैलकुलेशन है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे किसी किताब का, तो यहां से सॉल्व करके एफ का ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव बुक में मिलेगा ऐसा। ठीक, क्लियर है यहां तक? सोचना कैसे है ये समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में ये पक्का आएगा,